क्लास 12th की जो परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है, तो उस पर फैसला हो चुका है। अब आपकी परीक्षा आयोजित नहीं होंगी और आपको बिना परीक्षा के अब पास किया जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर मामा शिवराज सिंह चौहान द्वारा क्या लिखा गया है, क्या ट्वीट किया गया है, क्या उन्होंने बोला है, ये सभी जानकारी आपको स्पष्ट तौर पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा ध्यान से अवश्य देखिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करें हमें मोटिवेशनल देने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान का जो ट्विटर हैंडल है, तो इस पर जो ट्वीट किया गया है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, यहाँ पर इस वर्ष आयोजित नहीं की जाएंगी। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए नहीं, सबका सॉल्यूशन है डाउट नेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस उस क्वेश्चन को आपको फोटो लेना है और क्वेश्चन को क्रॉप करना है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, GE, NEET या 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा आपको डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही आप डाउट नेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। और इसके बाद में यहाँ पर नीचे लिखा है, बच्चों की ज़िंदगी हमारे लिए अनमोल है, करियर की चिंता हम लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन बच्चों पर जिस समय COVID-19 का बोझ है, उस समय हम उन पर परीक्षाओं का मानसिक बोझ नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मामा शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्पष्ट यहाँ पर ट्वीट किया गया है कि इस बार जो आपकी परीक्षा है आयोजित नहीं की जाएंगी, आपको या आंतरिक मूल्यांकन या फिर इसको लेकर कोई प्रक्रिया जारी की जाएगी कि किस प्रकार से छात्रों को पास किया जाएगा, यहाँ पर ये वीडियो में भी जानकारी दी गई है। इसकी लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको ये लेटेस्ट अपडेट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आप इस पर राय अवश्य दें कि आपको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाना चाहिए, आपको जनरल प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।